ज वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ द रूट के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने जो सेकेंड लेक्चर है हमारा उसमें हमने रूट के बारे में जाना था क्या क्या जाना था याद करो हमने देखा था रूट में कितने तरह के रूट होते हैं टैप रूट एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट्स पॉजिटिवली जियो होते हैं रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं तीन तरह के होते हैं सब कुछ देखा था हमने रूट के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था ठीक है एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था कि टैप रूट जो होते हैं वो रेडिकल से ऑरिजिनेट होते हैं एडवेंटेशियस रूट जो होते हैं वो ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर प्लांट का रूट जो है वो ऑरिजिनेट हो रहा है जैसे स्टेम से ब्रांचेस से तो हम उन्हें कहेंगे एडवेंटेशियस रूट फाइब्रस रूट्स हमने देखा देखा था जो कि ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम स्टेम के बेस से ठीक है ये रहा ये जो स्टेम है स्टेम के बेस से ऑरिजिनेट कर रहे हैं थीन एंड फाइबर लाइक होते हैं हमने रूट के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था इस लेक्चर में हम देखेंगे रीजन ऑफ द रूट ठीक है ये रहा देखो रीजन्स ऑफ द रूट में ये फिगर तुम्हें मिल जाएगा एनसीआर में अब एनसीआरटी क्या करता है ना टॉपिक का नाम लिख रहा है रीजन्स ऑफ द रूट लेकिन फिगर दिया है रीजन ऑफ द रूट टिप का अब इस चीज को समझो ये जो फिगर है ना ये रूट टिप का फिगर है अब रूट टिप क्या है देखो मान लो ये हमारा रूट है ठीक है ये पूरा रूट है दस फीट का रूट है इसका जो निचला हिस्सा है ना इसे हम कहते हैं टिप रीजन ऑफ द रूट टिप हम रूट टिप के बारे में जान रहे हैं पूरा रूट नहीं देखेंगे उसका एक नीचे का एक जो हिस्सा है ना टिप का जो टिप रीजन है रूट का उसके बारे में जानेंगे ये जो रूट टिप होता है इसका मैक्सिमम लेंथ होता है छः से सात सेंटीमीटर यूजुअली रूट टिप जो है वो हमारा वन टू सिक्स सेंटीमीटर का होता है ठीक है मैक्सिमम कितना हो सकता है सात सेंटीमीटर भी हो सकता है ठीक है तो सिक्स टू सेवन सेंटीमीटर का ये हमारा रूट टिप है रूट भले ही दस फीट बीस फीट का हो लेकिन जो रूट टिप होता है ना वो सारे रूट में कितना होगा मैक्सिमम छः से सेवन सेंटीमीटर का होगा और राइट right? तो हम रीजन्स ऑफ द रूट टिप देख रहे ओके okay, अब देखो ये जो रीजन है ये सबसे निचला वाला हिस्सा इसे कहते हैं लोअर साइड लोअर साइड जिसको हम एपिक्स कहते हैं एपिक्स ओके okay? और ये जो हिस्सा है ऊपर में ये रूट है इसके ऊपर क्या होगा स्टेम होगा प्लांट का जो स्टेम है वो होगा ठीक है या फिर अगर कोई बड़ा ट्री का रूट है तो ऊपर में क्या होगा ट्रंक होगा ट्री का ट्रंक या स्टेम होगा तो ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेस ऑफ द रूट ठीक है बेस ऑफ द रूट और सबसे निचला वाला हिस्सा हम कहते हैं एपिक्स ओके बहुत जन को लगता है ना ये सबसे नीचे रूट टिप सबसे नीचे तो वही बेस होगा बेस क्या है देखो यहां पे ये हमारा देखो ये रहा ऊपर में क्या होगा स्टेम होगा और यहाँ पे रूट रूट ऑरिजिनेट कर रहा है तो इससे हम कहते हैं बेस ये वाला हिस्सा बेस नीचे वाला हिस्सा एपिक्स क्या पढ़ रहे हम वापस से हम रूट टिप के बारे में पढ़ रहे हैं रीजन ऑफ द रूट टिप पूरे रूट के बारे में नहीं पढ़ रहे पूरा रूट भले ही दस फीट का हो रूट टिप जो होगा वो छह से सात सेंटीमीटर का ही होगा लोअर साइड को क्या बोलेंगे एपिक्स और ये जोला ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर में जो स्टेम से अटैच है ऊपर इसे हम कहेंगे बेस और नेक्स्ट देखो तीन रीजन हम पढ़ेंगे रूट टिप में पहला रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी दूसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन तीसरा रीजन ऑफ मैचुरेशन सबसे पहला क्या है रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी देखो ये क्या है यहाँ पे सेल्स आर वेरी स्मॉल बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं मेरिस्टमैटिक सेल होते हैं मेरिस्टमैटिक सेल होंगे छोटे छोटे होंगे थिन वर्ल्ड होते हैं और जिनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है अब ये जो यहाँ पे जो सेल है कैसे स्मॉल थिन वर्ल्ड डेंस प्रोटोप्लाज्म और हमें पता है रीजन ऑफ द मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है तो यहाँ मेरिस्टमेटिक सेल्स होंगे मेरिस्टमेटिक सेल का एक सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि वो डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे ओके मेरिस्ट मेरिस्टेम सेल्स दैट डिवाइड रिपीटेडली मेरिस्टेम डिवाइड रिपीटेडली मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा मेरिस्टेम सेल्स uh, होंगे यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी में जैसे ये देखो ये हमारा एक मेरिस्टमेटिक सेल है जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये सेल क्या करता है रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है मान लो जैसे ये जो मेरिस्टमेटिक सेल है इसका लेंथ है सपोज छः सेंटीमीटर सपोज छः सेंटीमीटर छः सेंटीमीटर का सेल थोड़ी होगा बट मैं तुमको बोल रहा हूँ सपोज मेरिस्टमेटिक सेल है जो यहाँ रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी में एक्टिविटी जो यहाँ पे चल रहा है मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी इस रीजन में प्रेजेंट होता है मेरिस्टमेटिक सेल जिसका लेंथ uh, है छः सेंटीमीटर सपोज और मेरिस्थमेटिक सेल का खासियत क्या होता है कि ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं तो ये जो मेरिथमेटिक सेल अब ये डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा दो सेल बनाएगा ये जो दो सेल है मान लो ये थ्री सेंटीमीटर का है ये थ्री सेंटीमीटर का अब ये जो दोनों सेल है ये इलोंगेट करेंगे इलार्ज होंगे इलोंगेशन होगा इनमें ये रहा ये वापस से अब छः सेंटीमीटर का हो गया और ये वापस से अब छः सेंटीमीटर का हो गया तो टोटल बारह सेंटीमीटर हो गया तो क्या हुआ बेसिकली देखो सेल का इलॉन्गेशन हुआ ओके सेल का इलोंगेशन हुआ तो इससे और या फिर सेल का इनलार्जमेंट हुआ तो इससे क्या होता है देखो जो हमारा रूट है ना इसका लेंथ बढ़ता है रीजन रीजन ऑफ ऑफ में ये क्या हो रहा है है जो हमारा सेल वो इलांगेट कर रहा है तो रूट का लेंथ बढ़ रहा है ओके okay? मेरिस्टेमेटिक में क्या हो रहा है मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी जिस रीजन में चल रहा है वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवाइड करेंगे डिविजन हुआ है डिविजन हुआ है. और फिर यहां पे यहाँ पे इलोंगेशन हुआ इलोंगेशन ये कहाँ पे हो रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन में रीजन ऑफ इलोंगेशन हुआ तो इसके कारण क्या हुआ अब देखो सेल का लेंथ बढ़ा तो रूट का भी लेंथ बढ़ा होगा ना क्योंकि बहुत सारे में सेल होंगे एक में सेल थोड़ी होगा और सारे डिवाइड कर रहे होंगे रिपीटेडली और सारे इलोंगेट भी हो रहे होंगे तो रूट का भी लेंथ बढ़ रहा होगा जो हमारा रूट टिप है इसका भी लेंथ बढ़ रहा होगा तो ये हमारा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन ठीक है इलॉन्गेशन के कारण क्या होता है रूट टिप का लेंथ बढ़ जाता है रूट का लेंथ बढ़ता है बेसिकली फिर क्या हुआ अब ये जो सेल थे सपोज अब ये सेल इनको अब ये अब ये हो गया। जो थे, पहले डिवाइड के हुए, और अब इन्होंने क्या किया? रूट हेयर फॉर्म कर लिया। ये मेच्योर सेल बन चुके हैं अब ये कुछ एक जाके, आगे जाके कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे मिनरल तो करेंगे मेच्योर हो चुके तो बेसिकली क्या हुआ

यानी कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशियट हो गया यानी कि मेच्योर हो गया मेच्योर और डिफ्रेंशिएटेड हो गया बहुत सारा अलग अलग तरह का फंक्शन करेगा अलग अलग तरह का फंक्शन प्ले करेगा रोल प्ले करेगा रूट में तो ये जो रीजन है मेच्योरेशन का यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड जोन है जहाँ पे हमें मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू मिलेंगे यानी कि मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड सेल मिलेंगे ओके okay, बहुत सारे सेल कोई एक साथ हमने टिश्यू का तो ये सब चीजें अपने दिमाग में होता है ना फ्रेम करते रहना समझते रहना जबकि कब सेल हो गया कब टिश्यू हो गया सेल तो एक है बहुत सारे सेल एक साथ टिश्यू है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएशन हुआ परमानेंट टिश्यू बना तो पे मिल रहा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड जोन है क्योंकि यहाँ पे मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है जिनमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है ओके okay? तो वापस से देखो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है जहाँ पे मेरि मेरिस्टम मेरिस्टमेटिक सेल मेरिस्टमेटिक सेल में क्या होता है रिपीटेडली डिवीजन होता है कैसे सेल होता है ये बहुत छोटे स्मॉल सेल होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाजम होता है इनका सबसे खास बात क्या है मेरिस्ट मेरिस्टमेटिक सेल का कि ये डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं डिवाइड करेंगे फिर क्या होगा इलोंगेशन होगा तो इलोंगेशन हो गया तो सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन अब रैपिड डिविजन हो रहा है तो रैपिड इलॉन्गेशन भी हो रहा होगा और इन्लार्जमेंट होता है सेल अंडर को रेपिड इलोंगेशन एंड रैपिड इनलार्जमेंट तो इससे क्या होता है ग्रोथ होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ तो ग्रोथ होता है रूट का इन लेंथ हमारा जो रूट है इसका जो लेंथ होता है वो बढ़ता है रूट जो है वो ग्रो करता है क्यों क्योंकि देखो मैंने स्टेमेटिक सेल डिवाइड किया था और जो सेल डिवाइड किया उसका इलोंगेशन हो रहा है इलोंगेशन हो रहा है तो ग्रोथ ऑफ द रूट हो रहा है इन लेंथ ओके इन लेंथ द ग्रोथ ऑफ द रूट इंक्रीजेस सिबल कौन है कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, Responsible है? Region of elongation. Okay? क्योंकि यहाँ पे जो cell है, वो undergo rapid elongation and enlargement. All right? तीसरा आ गया, region of maturation. अब एक बार सेल कर लिया उसके बाद अब अब सेल क्या करेगा वो मेच्योर हो जाएगा ठीक है मेच्योर हो जाएगा डिफरेंशिएटेड हो जाएगा मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड क्यों हो गया ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करे अब वो पर्टिकुलर या फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेगा वहाँ का जो सेल है फंक्शन जैसे फंक्शन कैसे जैसे फंक्शन हो गया एबजॉर्स okay? कैसे पहचान है, या है, उन पे है okay? समझ, समझ में आया बात तीन रीजन है तीन जोन है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी सेल डिड रिपीटेडली रीजन ऑफ एलोंगेशन सेल का इलोंगेशन हो रहा है रीजन ऑफ मेच्योरेशन सेल जो है वो मेच्योर हो गया यानी कि मेरे टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन हुआ परमनेंट टिश्यू बन गया सेल कैसे होंगे मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड होंगे अब वो फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है जैसे कि अब्जॉर्ब्शन करेंगे वाटर का मिनरल का और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन के जो सेल है उन पर क्या प्रेजेंट होगा रूट हेयर प्रेजेंट होगा और राइट नेक्स्ट रीजन वन प्लस टू प्लस थ्री यानी कि ये ये रीजन ये रीजन और ये रीजन ये तीनों रीजन का लेंथ कितना होगा मैक्सिमम सिक्स टू सेवन सेंटीमीटर और इन तीनों रीजन को एक साथ हम क्या कहेंगे रूट टिप कहेंगे ये रहा ये जो है ये रूट टिप ओके तो लेंथ कितना हो गया छह से सात सेंटीमीटर ये रहा एपे सबसे निचला वाला हिस्सा रूट टिप का और ये ऊपर में बेस स्टेम के जस्ट नीचे वाला जहां से रूट जो है हमारा फॉर्म हो रहा है अब ये जो यहां पे ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर क्या होगा देखो इसके ऊपर अच्छा हाँ ये एक चीज यहां रखो रूट हेयर का फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल मैंने कहा ना रीजन ऑफ मेच्युरेशन में मैच्योर एंड डिफ्रेंशिएटेड जोन होंगे तो इनमें रूट यहाँ के जो सेल है वो एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे क्यों क्योंकि क्यों, इन क्यों? अब वो मेच्योर हो गए तो वो फंक्शन जैसे हो गया एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स तो इसमें कौन सहायता करेगा रूट हेयर सहायता करेगा ये जो रूट हेयर फॉर्म हुए ये रूट हेयर सहायता करेंगे इन मेच्योर और डिफ्रेंशिएटेड जोन में जो सेल है उनको वाटर एब्जॉर्ब करने में और मिनरल एब्जॉर्ब करने में सॉयल से ओके अब ये जो रूट टिप है इसके ऊपर वाला हिस्सा ठीक है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ठीक है

ठीक है ये रहा रूट टिप इसके ऊपर ये जो पूरा रूट है ठीक है ये जो पूरा रूट है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ चल रहा है यानी कि बार के छाल का फॉर्मेशन हो गया ठीक है तो यहाँ पे रूट हेयर नहीं देखने को मिलेगा रूट हेयर सिर्फ यहाँ रीजन ऑफ मैचुरेशन ये जो है ना रीजन ऑफ मैचुरेशन सिर्फ यहीं पे रूट हेयर प्रेजेंट होता है क्योंकि रीजन ऑफ मैचुरेशन में मैच्योर और डिफ्रेंशिएटेड सेल पाया जाते हैं जिनके ऊपर रूट हेयर होता है और इसीलिए जो सेल होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल ओके देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो रहा है परमानेंट टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू बना है तो परमानेंट टिश्यू कब बन गया जब वो अब मतलब फाइनल स्टेज में पहुंच गया परमानेंट टिश्यू बन गया तो अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये जो परमानेंट टिश्यू है यानी कि ये जो मेच्योर एंड डिफरेंशिएटेड जो सेल है इनमें रूट हेयर प्रेजेंट है बट ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला हिस्सा वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ अकर होता है सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है सेकेंडरी ग्रोथ अकर इसलिए रूट हेयर जो होंगे वो एबसेंट होंगे और right? ना समझ में आया चलो अब देखो अब बात करते हैं हम रूट कैप की रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है द टेंडर एपिक्स टेंडर यानी कि सॉफ्ट ये जो एपिक्स होता है ना बड़ा नाजुक सा टेंडर साइड होता है जो लोअर साइड है एपिक्स जिससे हम कहते हैं इसको प्रोटेक्ट करता है रूट कैप ये रहा ये जो है ना ये ये पूरा स्ट्रक्चर ये है रूट कैप ठीक है काम क्या है एपिक्स को प्रोटेक्ट करना थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है देखो जैसे जो टेलर होते हैं ना टेलर लोग टेलर लोग जब सुई के साथ कुछ सी रहे होते हैं तो सुई रहता है तो जब जैसे समझ लो बटन सिल रहे हैं तो ये जो सुई है ये इनके थम्भ में जा चुभ सकता है तो इसलिए क्या करते हैं ये थम्ब पे एक कैप पहन लेते हैं पहन लेते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर पहन लेते हैं जिसे कहते हैं थिम्बल ठीक है ये है इसे कहते हैं थिम्बल तो इसीलिए ये जो रूट कैप है ये भी एक तरह से थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ही है टेलर लोग क्यों पहनते हैं ताकि सुई ना चुभ जाए अंगूठे में रूट कैप थिम्बल लाइक क्यों है ताकि रूट का जो एपेक्स रीजन है वो टेंडर होता है तो इसको प्रोटेक्ट कर सके और राइट right? क्योंकि क्योंकि ये जो सबसे लोअर मोस्ट रीजन है यहीं से तो ग्रोथ चल रहा है यहीं पे तो रैपिड डिवीजन हो रहा है तो मिट्टी के अंदर में ठीक है तो आराम तो वो क्या करेगा प्रोपागेट करेगा सॉइल को सॉफ्ट रीजन होता है प्रोपागेट कर करके ही तो रूट ग्रो करेगा मिट्टी के नीचे तो इसीलिए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है रूट कैप जो कि प्रोटेक्ट करता है द टेंडर एपेक्स राइट तो यहीं पे ये पूरा रीजन ऑफ द दे रूट देखो एनसीआर रीजन ऑफ द रूट लिखा है पर रूट टिप को समझाया है एक्चुअली में तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा रीजन ऑफ द रूट टिप क्या क्या है मेरी स्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है मतलब यहाँ पे सेल जो है रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो इलॉन्गेशन हुआ यानी कि सेल जो है वो इलांगेशन कर रहे हैं इलाजमेंट हो रहा है या, जो कि ग्रोथ जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ रीजन ऑफ मैचुरेशन में यही जो हमारा सेल है ये क्या हुआ इनमें डिफ्रेंसिएशन हो गया यानी कि ये जो मेरे टिश्यू था जिनके अंदर तो बहुत सारे मेस्टेमेटिक सेल थे उनमें डिफ्रेंशिएशन हो गया वो परमानेंट टिश्यू यानी कि परमानेंट सेल में डिफ्रेंशिएट हो गया जो कि अब फंक्शन करेंगे ठीक है फंक्शन करने में कौन हेल्प करता है रूट हेयर जो कि वाटर को एब्जॉर्ब जो कि फंक्शन होता है रूट का जैसे एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल इनमें रूट हेयर मदद करता है और राइट तीनों रीजन का मैक्सिमम लेंथ होगा छः से सात सेंटीमीटर ओके रूट टिप हेयर है भले ही रूट दस फीट बीस फीट का हो लेकिन रूट टिप का जो साइज होगा जो लेंथ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा छः से सात सेंटीमीटर ही होगा

तो क्या यहीं पे लेक्चर खत्म होता है आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना निटोलॉजी को सोशल मीडिया पर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो जो का चैनल है जिसका लिंक ये आटी डॉट मी स्लैश नीटोजी अंडर स्कोर एच के इसको जाके ज्वाइन करो इस चैनल पर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा जो जो चीज़ मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ वो सबका नोट्स तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पर जो निटोलॉजी का चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा एटोलॉजी का चैनल है यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करो यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करो तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले और अगर तुम्हें और भी एटोलॉजी के वीडियोज देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा वीडियो वीडियो पे क्लिक करो और भी वीडियोज देखो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर